अगर आप लोग मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आपका एमपीपीएससी हो गया, या आप देखते हैं कि व्यापम के भी तमाम एग्जाम होते रहते हैं, शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, आप देखते हैं कि पुलिस कांस्टेबल का होता रहता है, जेल फेरी के लिए, पटवारी के लिए, दरोगा के लिए होता रहता है, और इन सब में आप लोग देखते हैं कि करंट अफेयर्स से अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर और पाठ्यक्रम आपकी टेबल पर होना चाहिए, और टेबल पर केवल होना नहीं चाहिए, उन्हें आप लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उनका मूल्यांकन आपको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपने एग्जाम के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखे होंगे, तो जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में घटनाएं घटती रहती है ना, जिन्हें आप लोग करंट अफेयर्स कह देते हैं, और उनसे आपकी परीक्षाओं में अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और आप लोग ये भी कहते हैं कि कितने महीने का हमें करंट अफेयर्स कवर करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, 1 साल काफी है, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक काफी है आप लोगों के लिए, इतना आप लोग कवर कर सकते हैं। अब जो आपके एग्जाम हो गई ना, उनमें इसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। तो हम लोग क्या करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घटी हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, हर महीने की घटनाओं से आपकी परीक्षा के लिए कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, उन्हें हम लोग एक एक करके कवर करेंगे आने वाली क्लासों में। और मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स 2022 के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बना देता हूँ, उसी में आपको क्लासें सभी मिल जाएंगी। एक बार आप लोग मध्य प्रदेश देख लीजिए। देखिए, ये आपका मध्य प्रदेश है, और इसे अगर आप लोग भारत के मैप में देखना चाहें, पूरा भारत में, तो आप लोगों को मालूम भी चलेगा, क्या मालूम चलेगा कि मध्य प्रदेश क्यों कहा जाता है, इसे हृदय प्रदेश भी आप लोग कहते हैं। देखिए, ये है आपका क्या, मध्य प्रदेश, देखिए बीच में, इसीलिए आप लोग इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं, मध्य प्रदेश भी कहते हैं। अब आप लोग ये भी कहें को क्या कहोगे कि मध्य प्रदेश क्यों कहते हैं, और हृदय प्रदेश और मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था इसे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री साहब ने ये नाम दिया था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये भोपाल आपको दिखाई दे रहा है, और इससे लगे हुए राज्य अगर आप देखें तो आपका, देखिए, उत्तर प्रदेश हो गया जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत में, राजस्थान हो गया यहाँ ऊपर जो आप देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, फिर आप लोग आएंगे तो गुजरात आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से, नीचे आपको महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा, ये आप देखेंगे छत्तीसगढ़ देखने को मिल जाएगा, और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ को राज्य बनाया गया था, और जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका भारत में मध्य प्रदेश हुआ करता था, ठीक है। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था, 1 नवंबर को आप लोग मध्य प्रदेश दिवस भी मनाते हैं, और यहाँ की राजभाषा की बात करें तो हिंदी है, राजकीय पक्षी की बात करें तो दूधराज साहेब बुलबुल है, और अगर आप लोग, जिसे आप लोग पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जानते हैं, और अगर हम लोग पशु की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि वारे वारे सिंह है, क्या है, वारे सिंह है, ये बैडरी जाति का है, तो ये भी याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की अगर बरगद की पक, यानी कि वृक्ष की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा, बरगद आपको देखने को मिलेगा, हिंदू धर्म में काफी पूजते भी है बरगद को, ठीक है। और पुष्प की बात करें तो सफेद सफेद लिली है, और खेल की बात करें तो मलखंब देखने को मिलेगा, ये 2013 में घोषित किया गया था। आप लोगों से एक सवाल है मेरा, मलखंब अकेडमी कहाँ है मध्य प्रदेश में, ये आप लोग बताइएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट माछ है, राजकीय नृत्य क्या है, राई है, फसल सोयाबीन है, और आप देखेंगे मेरा मध्य प्रदेश एक गान, मेरा मध्य प्रदेश है, जिसके रचना का महेश श्रीवास्तव थे, और राजकीय चिन्ह की बात करें तो 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त जिसमें गेहूं और धान की बालियां आपको देखने को मिलेंगी, नदियां इसके आप देखेंगे, मध्य प्रदेश के उपनाम भी है, नदियों का मायका कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं, और आप देखेंगे कि आपको हृदय प्रदेश कहते हैं, कोहिनूर हीरा प्रदेश भी कहते हैं, लघु भारत कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं, सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं, बरार के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं, और मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं,
और अभी वर्तमान में आप देखेंगे जिलों की बात करें तो कितने हैं, टोटल 52 जिले हैं। निवाड़ी आप देखिए सबसे नया जिला है, ये आप लोग याद रखिएगा, 2018 में बनाया गया था टीकमगढ़ से अलग करके। पृथ्वीपुर, निवाड़ी, ओरछा, बांका, टीकमगढ़ जिले किस में पड़ता है, निवाड़ी जिले में, ठीक है। और यहाँ अगर आप लोग देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि विधानसभा में आपकी 230 सीटें हैं, और जिसमें से आप देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 20 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए, एक ओवर व्यू दे रहा हूँ नॉर्मल जानकारी के लिए, लेकिन इस क्लास से भी आप देखेंगे अच्छी खासी संख्या में दो चार क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो 230 है टोटल, विधानसभा की बात कर रहा हूँ, और विधानसभा की आप देखेंगे जो विधायक चुने जाते हैं ना उन्हीं की बात हो रही, जो आपके द्वारा चुने जाते हैं डायरेक्ट जनता के द्वारा। अगर आपको विधायकी का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम एज की कोई सीमा नहीं रखी गई है, और अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, वोट डालने जाते होंगे। तो इसमें से आप देखेंगे 230 में से एससी के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 35 सीटें आरक्षित हैं, और अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 47 सीटें हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। लोकसभा में आप देखेंगे कि 29 सीटें हैं, और 29 सीटों में एसटी के लिए अनुसूचित जाति के लिए आपकी 4 सीटें आरक्षित हैं, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। यहाँ का हाईकोर्ट की मुख्य ब्रांच आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी, और इसकी दो खंडपीठ है, एक इंदौर में दूसरी ग्वालियर में, ठीक है। और अगर आप लोग देखना चाहें सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, सबसे उत्तर में आप लोगों को मुरैना देखने को मिलेगा, दक्षिण में बुरहानपुर, पश्चिम में आप देखेंगे अलीराजपुर, और पूर्व में आपकी सबसे सिंगरौली है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और बाकी आप देखेंगे तो पहले राज्यपाल की बात करें तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे, प्रथम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ये राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, विधानसभा के अध्यक्ष आप देखेंगे पंडित कुंजीलाल दुबे थे, और प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला गेवाल थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती थी, आप सभी जानते होंगे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो अगली क्लासों में हम लोग जनवरी से लेकर आपका दिसंबर तक की जो भी घटनाएं घटी हैं हर महीने की 2022 की, उन्हें हम लोग एक एक क्लास में कवर कर लेंगे। पहले जनवरी की करेंगे, फिर उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतना आप देखेंगे 12 महीने का करंट अफेयर्स आप लोग कवर कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश की जो घटनाएं घटी हैं उनसे अगर आप लोगों की परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मुझे लगता है कि आसानी से आप लोग जवाब उनके दे पाएंगे, आंसर दे पाएंगे, चाहे एमपीपीएससी के प्रीलिम्स हो या आप देखिए कि और भी एग्जाम हो आपके, चाहे आप देखिए शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 हो, या आप देखिए पुलिस का हो, एसआई दरोगा का हो, जेल पहरी, पटवारी आप लोग देखते रहते हैं, इस तरह के अनेकों एग्जाम होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि केवल मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं घटी हैं मध्य प्रदेश में उन्हीं पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये राष्ट्रीय स्तर का कोई करंट अफेयर्स नहीं है, एमपी स्पेशल है, क्या है, एमपी स्पेशल है ये केवल, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए तो हम लोग अगली क्लास में जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे, आपके कोई सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग नीचे भेज सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है।